अपने ग्रुप का एक एग्जाम्पल ले रहे हैं या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। क्या क्वेश्चन है? सो दैट द सेट वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, आप जानते हैं ओमेगा क्या होता है, के इकाई का घनमूल होता है, विद वन ओमेगा आर द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, कैसे घनमूल है इज ए ग्रुप। वो कह रहा है ये जो वन ओमेगा स्क्वायर है, ये जो सेट है वो एक ग्रुप है, विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन कम्पोजिशन, यानी गुणन संक्रिया के लिए ये एक ग्रुप है, ये हमें प्रूव करना है। तो मैंने अभी बताया था इससे पहले वाले लेक्चर में कि सबसे पहले हम जो दिया गया सेट है उस बाइनरी ऑपरेशन के लिए हम एक ऑपरेशन टेबल बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, एक ऑपरेशन टेबल बनाते हैं। ऑपरेशन टेबल बनाने से हमारा काम इजी हो जाता है, उससे हमारा बाइनरी ऑपरेशन का मालूम पड़ जाता है, दशमलव एलिमेंट्स और एसोसिएटेड लॉ और उसका इनवर्स का भी हमें मालूम पड़ जाता है। तो गुणन संक्रिया, तो मैं ये गुणन संक्रिया के लिए ये सिंबल यूज करता हूँ डॉट, और क्या मैं रो वाइज और कॉलम वाइज क्या एलिमेंट इस सेट के लिख देता हूँ। अब वन का बाइनरी वन इंटू वन 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 इंटू ओमेगा ओमेगा वन इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा डॉट वन ओमेगा ओमेगा डॉट डॉट ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा डॉट ओमेगा ओमेगा क्यूब। और हम जानते हैं इकाई के घनमूल के लिए ओमेगा क्यूब आपका क्या है, वन है। इसी प्रकार ओमेगा स्क्वायर डॉट वन ओमेगा स्क्वायर ओमेगा डॉट ये ओमेगा क्यूब, ओमेगा क्यूब मीन्स वन, ओमेगा डॉट ओमेगा फोर, ओमेगा फोर का मतलब ओमेगा क्यूब ओमेगा, ओमेगा क्यूब वन ओमेगा बराबर ओमेगा। तो हम ओमेगा फोर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा लिख सकते हैं। अब सबसे पहले हम ग्रुप के लिए जो मूल प्रतिबंध है वो चेक करेंगे इस बाइनरी ऑपरेशन के लिए। सबसे पहला है बाइनरी ऑपरेशन जिसको बोलते हैं संवर्तता या म्यूचुअल संक्रिया, या इसको हम फ्यूचर संक्रिया भी बोलते हैं। आप क्या देख रहे हैं फ्यूचर संक्रिया के लिए, इस सारणी के सारे सारे एलिमेंट किसके हैं, इस सेट के एलिमेंट है। देखो वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वन, ये सारे के सारे जो अवयव है वो इस समूह के अवयव है। इसका मतलब ये क्या है, संवर्त का पालन करता है। तो आप क्या देख रहे हैं इसमें कि सारणी स्पष्ट है कि सारे के सारे अवयव है वो दिए गए समुच्चय के अवयव है, इस प्रकार ये संवर्त नियम का पालन करता है। सेकंड हम क्या देखते हैं, एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी मतलब सहचर्यता, सहचर्यता, सहचर्यता। तो आप देखिए ये इकाई के घनमूल है, तो सम्मिश्र संख्या होती है और सम्मिश्र संख्या में क्या होता है, सम्मिश्र संख्या के जो अवयव है या सम्मिश्र संख्या है वो क्या होती है, साचर्य गुणधर्म का पालन करती है। अपन जानते हैं Z1, Z2, Z3, इस प्रकार ये क्या है, साचर्य गुणधर्म भी नियम का भी पालन करता है। सेकंड अपन देखते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट यानी जिसको बोलते हैं तस्मक अवयव क्या होता है, चेक करेंगे कि वो तस्मक अवयव वो अवयव होता है जिसका हम किसी दूसरे अवयव के साथ बाइनरी ऑपरेशन लें तो वही अवयव में मिलता है। तो आप देखो कि वन है वो गुणन संक्रिया के लिए क्या है, तस्मक अवयव। देखो वन का वन के साथ बाइनरी ऑपरेशन किया तो वन मिला, ओमेगा का वन के साथ बाइनरी ऑपरेशन किया तो क्या मिला, ओमेगा मिला, ओमेगा स्क्वायर का बाइनरी ऑपरेशन वन के साथ मिला तो ओमेगा स्क्वायर मिला। तो ये जो वन है ये आपका क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो इस सेट का ये वन है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है इस गुणन संक्रिया के लिए, तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट भी हो गया। और चौथा जो मूल प्रतिबंध है वो क्या है, ये जो समुच्चय है इसके हर अवयव के क्या होने चाहिए, प्रतिलोम अवयव होने चाहिए, इसको बोलते हैं इनवर्स, इनवर्स यानी प्रतिलोम अवयव, प्रतिलोम अवयव। तो हर अवयव का क्या होना चाहिए, प्रतिलोम अवयव होना चाहिए। तो प्रतिलोम अवयव कैसे चेक करते हैं कि मैंने बताया था कि कोई भी अवयव है ए इसका मैंने बाइनरी ऑपरेशन इस तस्मक अवयव के साथ लिया तो मुझे क्या मिलना चाहिए, वही अवयव, सॉरी अगर मैंने ए का बाइनरी ऑपरेशन ए इनवर्स के साथ लिया तो मुझे तस्मक अवयव मिलना चाहिए। ये तस्मक अवयव की क्या है परिभाषा है, तो हम देख रहे हैं
यहाँ दसवां कवि प्रतिलोम की परिभाषा है, यहाँ दसवां कवि क्या है वन है, तो देखो वन कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो वन का मैंने बाइनरी ऑप्शन वन के साथ लिया तो क्या आया वन आया, वन आया और वन यहाँ मैंने क्या है दसवां कवि है, इसका मतलब क्या है वन का प्रतिलोम कौन है वन है। इसी प्रकार ओमेगा देखो और वन यहाँ मिल रहा है, तो ओमेगा का मैंने बाइनरी ऑप्शन किसके साथ लिया ओमेगा स्क्वायर के साथ, तो इसका मतलब क्या हुआ देखो ओमेगा का मैंने बाइनरी ऑप्शन ओमेगा स्क्वायर के साथ लिया तो मुझे क्या मिल रहा है वन मिल रहा है, वन दसवां कवि है, इसका मतलब क्या है ओमेगा का प्रतिलोम कौन हुआ ओमेगा स्क्वायर। इसी प्रकार ओमेगा स्क्वायर का देखो वन कहाँ मिल रहा है यहाँ मिल रहा है, तो ओमेगा स्क्वायर का मैंने बाइनरी ऑप्शन किसके साथ लिया ओमेगा के साथ, तो ओमेगा स्क्वायर का बाइनरी ऑप्शन ओमेगा के साथ लिया तो क्या मिला दसवां मिला। इस प्रकार ओमेगा स्क्वायर का जो प्रतिलोम है वो कौन है ओमेगा है। तो हम देखते हैं कि इस समुच्चय के हर अवयव में क्या है प्रतिलोम भी है, इस प्रकार ये चारों प्रतिबंधों का पालन करता है। तो अतः ये जो दिया गया जो सेट है ये